हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। सो आज के वीडियो में हम बात करने वाले वे वर्सेस पीनट प्रोटीन के बारे में। आप में से काफ़ी लोग लैक्टोस इंटॉलरेंट है, वेजिटेरियन है या वीगन है, और कुछ लोग उनके घर पे सप्लीमेंट्स को लेके उतना सपोर्ट नहीं किया जाता है। आप में से काफ़ी लोग जानना चाहते थे कि क्या पीनट प्रोटीन बेटर है कंपेयर टू वे प्रोटीन। आज के इस वीडियो में मैं बताऊँ इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में। इस वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आप सभी इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को करें सब्सक्राइब और उस बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप कभी भी मेरे फ्यूचर वीडियोस को मिस नहीं करें। और अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहला चीज़ ये आता है कि आज की इस वीडियो में वे वर्सेस पीनट के कंपेरिजन में हम सिर्फ प्रोटीन के एलिमेंट को देखेंगे। सबसे पहला फैक्टर ये आता है कि प्राइस। तो अगर हम वे प्रोटीन की प्राइस अगर हम देखें तो एक वे प्रोटीन का पैकेट 5 LPS का इन अराउंड 4800 to 6000 रुपीज़ तक पड़ता है, डिपेंडिंग ऑन आप कौन सा ले रहे हैं, US इम्पोर्टेड है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको कहा था। बट एक क्विक ओवरव्यू, 2.5 किलो का या 5 LPS का पैकेट अगर आप देखें जिसमें 70 सर्विंग्स होती है, इस हिसाब से 25 ग्राम प्रोटीन जो कि आपको एक स्कूप से मिलता है वो आपको इन अप्रॉक्स 80 रुपीस का पड़ेगा। यहीं अगर हम पीनट को देखें तो पीनट इन एवरेज 1 किलो का पैकेट आपको 60 to 100 रुपीस पड़ेगा, और 100 ग्राम्स पीनट में आपको 25.80 ग्राम्स तक का प्रोटीन मिल जाता है। इस हिसाब से आपको अगर 25 ग्राम प्रोटीन 100 ग्राम पीनट से मिल रहे वो आपको इन अप्रॉक्स 10 to 20 रुपीज़ तक मिल जाएंगे। पीनट में सिर्फ प्रोटीन नहीं अवेलेबल होता है बट कार्ब्स और ऐसे कई तरह के न्यूट्रिएंट वैल्यू भी अवेलेबल होते। बट आज के इस वीडियो में यहाँ हम सिर्फ प्रोटीन के एलिमेंट को देख रहे हैं। अब बात करते हैं दूसरे फैक्टर की। दूसरा फैक्टर ये है कि बायोअवेलेबिलिटी इंडेक्स। अब बायोअवेलेबिलिटी का बेसिक मतलब यही है कि आप जो फूड सोर्सेस ले रहे हैं उससे जो आपको प्रोटीन मिल रहा है, क्या वो प्रोटीन आपको पूरा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, या कुछ रह जाता है। अगर हम वे प्रोटीन की बात करें तो उसका 100 से 159 तक का बायोअवेलेबिलिटी इंडेक्स होता है। वहीं अगर हम पीनट की बायोअवेलेबिलिटी इंडेक्स देखें तो वो 100 है। बायोअवेलेबिलिटी या GI जो कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो इस फैक्टर में दोनों ही इक्वल है। अब बात करते हैं तीसरे फैक्टर की, वो है अब्सॉर्प्शन। अब अब्सॉर्प्शन को अगर हम देखें बेसिकली आप जो खा रहे वो आपके बॉडी में कितने देर में अब्सॉर्ब हो रहा है उसे हम देखते हैं। अगर हम वे प्रोटीन को देखें तो उसका अब्सॉर्प्शन रेट है 8 to 10 grams per hour। ये इसलिए भी है क्योंकि उसमें एडेड डाइजेस्टिव एंजाइम्स जैसे चीज़ें होती है। बट यही अगर हम पीनट को देखें उसका अब्सॉर्प्शन रेट कुछ ऐसा है कि टू डाइजेस्ट 100 ग्राम्स ऑफ पीनट इट टेक्स 2 to 3 hours। इसका ये भी रीज़न है क्योंकि उसमें कार्ब्स और ऐसे तरह के कुछ और न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है जो आपको फुल रखता है और पोस्ट वर्कआउट की रिकवरी में आपको हेल्प करता है। अब बात करते हैं फोर्थ फैक्टर की, वो है क्वालिटी। अगर हम वे प्रोटीन की क्वालिटी की बात करते हैं तो वो टोटली डिपेंड करता है कि कौन से कंपनी का US इम्पोर्टेड है, क्या वो ट्रस्टेड ब्रांड का है, वो ओरिजिनल है, या कुछ ऐसी तरीके की चीज़ें जो इंश्योर करती है कि वे प्रोटीन की क्वालिटी क्या है। यहीं अगर हम पीनट को देखें पीनट की क्वालिटी टोटली डिपेंड करती है कि आप कौन से फार्म से आ रहा है और आप कहाँ से परचेस कर रहे हैं। बट इसके अलावा अगर पीनट को पोस्ट वर्कआउट एज अ प्रोटीन कंज्यूम करना चाहते हैं या लेना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ पीनट रोस्टेड पीनट्स ले जो कि अनसॉल्टेड होते हैं। अब बात करते हैं इसके लास्ट फैक्टर की, जो है अवेलेबिलिटी। अब वे प्रोटीन और पीनट एक ऐसा चीज़ है जो इजीली अवेलेबल है, सारे ऑनलाइन स्टोर्स और प्लेटफॉर्म्स में अवेलेबल है, लोकल स्टोर्स में भी आपको आसानी से पीनट्स मिल जाएंगे। अवेलेबिलिटी के मामले में पीनट और वे दोनों ही इक्वल है, आपको आसानी से हर जगह मिल जाएंगे। अब इन सारे फैक्टर्स को अगर हम देखें तो पीनट एज अ पोस्ट वर्कआउट आप ले ही सकते
उसके काफ़ी बेनिफिट्स है बियॉन्ड प्रोटीन आपको प्रोवाइड करा, वो चीप रेट में आपको मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ उसके जो न्यूट्रिएंट वैल्यूज़ है एज अ पोस्ट वर्कआउट, वो आपके बॉडी में रिकवरी के लिए काफ़ी हेल्प करते हैं। सो पीनट इज़ अ गुड ऑप्शन एज अ पोस्ट वर्कआउट मील और अ स्नैकिंग आइटम। सो अगर आप सभी ने यहाँ तक मेरा वीडियो देख लिया तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को करें लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब ताकि आप कभी भी मेरे फ्यूचर वीडियोस को मिस नहीं करें। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो पर।